इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां किशोरी की कोविड-19 से मौत हुई है। लंबे समय के बाद किसी की कोविड-19 से मौत होने की घटना हुई है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल के कोविड-19 का उपचार करा रही किशोरी की मौत हो गई। किशोरी शाहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसे उपचार के लिए 16 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। किशोरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी कोविड-19 गहन इकाई वार्ड में उपचार किया जा रहा था, जिसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार किशोरी का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन आ जाने के बाद कोविड-19 का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। शासन प्रशासन के द्वारा बूस्टर डोज के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अभी भी कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता है और बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।